द इंडियन हाउस वाइफ्स के इस नए एपिसोड में उन करोड़ों भारतीय गृहिणियों का बहुत बहुत स्वागत है जो अच्छी तरह से अपना घर चलाना चाहती हैं, अपनी फ़र्ज अदा करना चाहती हैं और सबको खुश देखना चाहती हैं। और मैं शुरू से भारतीय नारियों को सलाम करता रहा हूँ कि किस तरह से वो अपने गृहिणी होने की फ़र्ज पूरी करती हैं। एक उनकी फ़र्ज हो जाती है, मतलब एक तरफ उनकी सास होती है, एक तरफ उनकी माँ भी होती है, तो कैसे वो मैनेज करती हैं इसके बारे में हम एक वीडियो देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अरे माँ आओ, आप भी बैठो। अरे नहीं, तुम लोग खेलो, कल शादी से होकर आए हैं, सारा सामान फैला पड़ा है, पैकिंग भी तो करनी है ना। हो जाएगी मम्मी जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आपके कार्ड भी बांट दी। वैसे आप अभी हमारे साथ थोड़ा टाइम रुकेंगे ना? ये क्या, शादी खत्म हुई और तुरंत जाने का प्लान बना लिया आपने? हाँ हमने तो ना मम्मी जी को 2 महीने के लिए रोक लिया है, आप भी रुक जाओ ना यहाँ पे, दिल्ली घूम घाम के जाना आराम से। अरे बेटा इतनी गर्मी में कौन दिल्ली घूमेगा, वैसे भी हमारे यहाँ बेटियों की शादी के बाद बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते हैं। ये तो मेरी 2 दिन टिकट ही लेट हो गई, तो मुझे रुकना पड़ रहा है 2 दिन। कैसी बातें कर रही हो मम्मी? लाओ। वैसे ही अपने बिट्टू की शादी तो बढ़िया हो गई, काफी फन था। हाँ और खाना भी बहुत बढ़िया बना था, मैंने तो ना जाके 4-5 बार जाके गोलगप्पे खाए, एक बार और चली जाती ना तो भैया मुझे साथ में ही बिठा लेते। हाँ इंतजाम तो लड़की वालों ने बहुत बढ़िया किया था, मतलब लड़के वालों का स्वागत धूमधाम से किया। हाँ भाई ये तो है, इंतजाम तो बहुत बढ़िया था, पर इतना तो हर लड़की वाले को करना ही चाहिए। अरे माँ आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अब बेटा इस उम्र में सर्दी खांसी जुकाम तो लगा ही रहता है ना। सिर्फ सर्दी और खांसी है आपको? अरे मेरे तो घुटनों में भी दर्द रहता है। आपके तो सिर्फ घुटनों में दर्द है, मुझे तो डायबिटीज भी हो गई है। अब डायबिटीज और ब्लड प्रेशर तो सबको ही होता है, आपको पता है मुझे थायराइड भी है, मुझे हाइपरटेंशन भी है, मेरे तो कान भी खराब होने वाले हैं, तुझे पता है मुझे लगता है हियरिंग एड लगवा ही लेनी चाहिए। मुझे तो ऑर्थराइटिस भी हो गया। वो आपको कैसे हो सकता है, घुटनों में तो मेरे दर्द है। नहीं मेरे भी। पोहा ना अजय का फेवरेट है। पर पारुल तो कह रही थी अजय को पराठा पसंद है ना, पोहा। अरे अरे आप इसमें भी चीनी डालोगे? थोड़ी सी मिठास डालने से ना मन मीठा हो जाता है, कड़वाहट किसे पसंद है। लो बेटा पराठा। ना ना ये तो पोहा खाता है। नहीं आज ये पराठा ही खाएगा। अरे कैसे पोहा खाएगा बेटा? रुको आज पता है क्या हुआ? क्या? तुम बस अपने में ही रहो और घर में जो 2 माओं के बीच में कोल्ड वॉर चल रही है वो दिख रही है तुम्हें? अरे हार्मलेस ही तो है, वैसे भी आंटी आंटी मतलब मम्मी, मम्मी जी जाने तो वादी है 2 दिन में। पर मैं नहीं चाहती ना वो इतनी जल्दी जाएं, रुक जाती थोड़े दिन के लिए। मैंने तो कहा था रुक जाएं, तुमने सुना नहीं वो क्या बोल रही थी, बेटी के घर का पानी एंड ऑल ऑफ दैट। बोल देते हैं कि हमारे घर का पानी मत पीना, आपके लिए ना बिस्लेरी ऑर्डर कर देंगे। पारुल बेटा तेरे लिए नींबू का अचार है ना शेल्फ पे रखा है, आके देख लेना फिर ढूंढती रहेगी उसे। हाँ माँ रख दो, मैं बाद में देख लूंगी। करी पत्ता दूँ? हाँ दीजिए। आपने इसमें थोड़ी सी चीनी डाल लीजिए, टेस्ट और बढ़िया हो जाएगा। नहीं मैं तो नहीं डालती चीनी।
तभी मतलब, अरे मैंने ऐसे ही सोचा कि एक जोक मार लेती हूँ, पर फिर मुझे लगा कि अब आप तो जा रही हैं आज, तो रहने देती हूँ। पारुल के लिए बना रही हूँ। हाँ, उसे चाय के साथ बहुत पसंद है। सोचा था पापड़ चटनी भी बनाऊंगी, पर अब तो टाइम ही नहीं है। कोई बात नहीं, बाद में भिजवा देना। मैं तो हर महीने अजय के लिए कुछ ना कुछ भेजती हूँ। अब जब से ये बच्चे बाहर रहने लग गए हैं तो यही सब करके हम लोग दिल बहलाते हैं। हाँ, पारुल के साथ भी शादी के बाद मैं पहली बार इतने दिन रही हूँ, उसे ऑफिस से टाइम ही नहीं मिलता। अब तो लगता है बीमारी का बहाना करना पड़ेगा ताकि वो मुझसे मिलने आए। टेस्ट करा के आती हूँ उसे। लीजिए पारुल। देख बेटा क्या बनाया तेरे लिए। अपना और अजय का ध्यान रखना। अजय अपना ध्यान खुद रखेगा। हाँ पता है मुझे, काम के चक्कर में दोनों खाना पीना तक छोड़ देते हो। आगे बेटा चलें, टाइम हो गया। अब आप जा ही रहे हो तो मेरे पराठे रह गए। अभी भी वक्त है मम्मी जी, रुक जाओ। अब तो बेटा टिकट भी आ चुका। तो उसमें क्या है माँ, टिकट दोबारा से आ जाएगी। अरे जाने दो ना, क्यों रोक रहे हो बिना मतलब के। नहीं नहीं आप जाइए। देखिए ना एंड टाइम पे ये दोनों बच्चे कैसे। आपकी वहां पर कोई बहुत जरूरी मीटिंग होगी है ना। मीटिंग नहीं, मेरी तो कोई मीटिंग नहीं है। अच्छा तो फिर कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट होगा। नहीं तो कोई इवेंट नहीं है। अच्छा तो आपको वहां जाकर फसल काटनी है जो कि अगर इस मौसम में नहीं कटी तो बर्बाद हो जाएगी। हाँ ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हैं आप। और आप जो ये सोच के जा रही हैं कि लड़की के घर में है, ये कौन सी समझदारी वाली बात हुई। हाँ देखिए हम 2023 में जी रहे हैं, 1920 में नहीं। जमाना बदल रहा है और अगर लड़के की माँ रह सकती है यहाँ तो लड़की की माँ क्यों नहीं रह सकती। और जो ये आप कहती है ना कि लड़की के घर का पानी भी नहीं पीना, ये तो कोई बात नहीं हुई। चलिए रुक जाइए ना। हाँ वैसे भी मैंने आज स्पेशल डिनर प्लान करके रखा है। ठीक है रुक जाती हूँ, पर मेरी एक शर्त है। शर्त कौन सी। ये डिनर में हर चीज में आप चीनी नहीं मिलाओगे। थोड़ी सी। घर लड़के का हो या लड़की का क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल मिलजुल कर रहे तो क्या मम्मी, क्या मम्मी जी। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा और तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू लाइफ टक। और हाँ क्या आप भी अपने पोहे में चीनी डालना पसंद करते हैं, हमें कमेंट पर जरूर बताइए। किटी पार्टीज जो है आजकल की आधुनिक गृहिणियों के जीवन का एक हिंदी में कहेंगे महत्वपूर्ण अंग है। बहुत कम ऐसी गृहणियाँ होंगी जो किसी ना किसी किटी पार्टी से जुड़ी ना हो। तो चलिए कुछ देखते हैं किटी पार्टी गेम के बारे में, थोड़ा देखते हैं। लेट्स हैव लुक एट दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन लेटेस्ट किटी पार्टी गेम्स। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सा ग्रुप गेम लेकर आई हूँ। जैसा कि मेरे पास मेंबर्स की डिमांड थी कि आप ग्रुप गेम लेकर आइए, तो मैं उन्हीं की डिमांड को पूरा करने के लिए ग्रुप गेम लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स जैसा कि इस गेम को प्रिपेयर करना भी बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ स्लिप बनानी है और आपको बहुत ही मज़ेदार गेम इन्जॉय करने को मिलेगा सिर्फ स्लिप बना के। तो मैं आपको, अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। और आप किसी भी थीम से रिलेटेड कोई गेम चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि मैंने स्लिप किस चीज़ की बना रखी है और ये गेम हमें कैसे खेलना है।
फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ये तीन कलर्स की स्लिप बना रखी है, आप देख सकते हैं पिंक, ग्रीन और रेड। आप कोई भी तीन कलर्स की स्लिप बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो आपको पसंद हो। यहाँ पे मैंने तीन कलर की स्लिप बना रखी है, रेड, पिंक और ग्रीन। आपकी किटी में जितने मेंबर्स हों, जैसे आपकी किटी में 20 मेंबर हैं या फिर आपकी किटी में 15 मेंबर हैं, तो आप हर एक कलर की तीन तीन या चार चार स्लिप बना लीजिए। आप जैसे आपकी किटी में 12 मेंबर हैं तो आप चार तीनों कलर की चार चार स्लिप बना लीजिए। अगर 15 हैं तो आप पांच पांच स्लिप बना लीजिए। इस तरीके से आपको तीन कलर्स की इक्वल स्लिप बनानी है। और अगर फ्रेंड्स आपके 20-21 मेंबर्स होते हैं तो आप तीन कलर को, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पांच पांच ही तीनों की बनानी है, आप किसी की चार भी बना सकते हैं और किसी की पांच भी बना सकते हैं। उसके बाद आपको मेंबर्स को एक एक खाली ऐसे स्लिप देनी है। आप देख सकते हैं ये खाली स्लिप है, ये आप हर मेंबर को एक एक ये दे दीजिए इस तरीके से। फिर आपको मेंबर से कहना है फ्रेंड्स कि वो अपने पसंद का इस पर कलर लिख लेंगे। जैसे कि मेंबर ने ये कलर लिखा, जैसे कि एक ने रेड लिख लिया, एक ने पिंक लिख लिया और एक ने ग्रीन लिख लिया। सब मेंबर्स अपने अपने पसंद के कलर्स लिख लेंगे। वो कलर्स उन्हें इसी में से लिखने हैं जो पिंक, रेड, ग्रीन है। यही तीन कलर्स उन्हें अपने, कोई भी मेंबर इन तीनों में से ही कलर लिखना है मेंबर को, हर मेंबर को। पिंक लिख सकता है, रेड या ग्रीन, जो कलर्स आपने बताए हैं तीन कलर्स। अब जैसे तीनों मेंबर्स ने एक तीन मेंबर का गेम बता रही हूँ फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको, तो उन्होंने गेम लिख लिए, कलर्स लिख लिए। उसके बाद आपको मेंबर से कहना है कि वो एक एक स्लिप उठाएंगे। जैसे कि इस मेंबर ने ये उठाई, इस मेंबर ने ये उठाई, इस मेंबर ने ये उठाई। अब फिर क्या करना है, जैसे कि ये जो कलर इसने पिंक लिखा था, तो आप देख सकते हैं इसके पास आया रेड, इसके पास आया फ्रेंड्स रेड, और इसके पास आया फ्रेंड्स पिंक। तो ये तीनों मेंबर्स गेम से आउट हो जाएंगे। अगर जैसे कि इस मेंबर के पास ये स्लिप आ गई होती है पिंक वाली, पिंक के पास पिंक आती, तो ये गेम में रहेगा, और जिसके पास सेम कलर की स्लिप नहीं आई वो गेम से आउट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, ये जैसे जो मेंबर्स आउट हो गए, दोबारा से फिर आपको स्लिप फोल्ड करके उसमें वापस से डाल देनी है। उसके बाद नेक्स्ट बार फिर मेंबर्स को क्या करना है, वो अपना ये कलर चेंज कर देंगे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक बार जो कलर लिख लिया वो ही लास्ट तक चलेगा, फिर उनका मन है वो दोबारा से कोई भी कलर लिख सकते हैं। जैसे उन्होंने दोबारा से कोई भी कलर लिखा, उसके बाद फिर वो दोबारा से स्लिप उठाएंगे। एक एक मेंबर ने जैसे स्लिप उठाई फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, तो अब आप देख सकते हैं सेकेंड राउंड में इसके पास आई ग्रीन, इसके पास आई पिंक, इसके पास आई है रेड। फ्रेंड्स सेम स्लिप आ गई, तो तीनों मेंबर्स गेम में रहेंगे दोबारा से। फिर आप ये स्लिप फोल्ड करके डाल दीजिए इसमें, फिर आपको मेंबर से कहना है कि उन्हें दोबारा से अपने चॉइस का कलर लिख सकते हैं। फिर वो स्लिप उठाएंगे, इसी तरीके से जो मेंबर का कलर मैच नहीं करेगा वो आउट होता जाएगा, और जिस मेंबर का कलर मैच कर जाएगा वो गेम में रहेगा। फिर लास्ट में जो मेंबर बचेगा वो गेम का विनर हो जाएगा। फ्रेंड्स इसी तरीके से आपके इस गेम में कई राउंड्स होंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है, आप इसे अपनी किटी में ज़रूर ट्राई करें। सभी मेंबर्स इस गेम को लाइक करेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। चलिए, हाउ टू मैनेज विथ योर ओन मदर एंड योर हस्बैंड्स मदर, वो तो आपने देखा। हर एक लेडी जब बच्चे ज़रा थोड़े बड़े हो जाते हैं तो चाहती है कि कुछ घर बैठे कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट की जाए विद डिग्निटी। तो इसमें जो आप जो वीडियो देखने जा रहे हैं इसमें सजेस्ट किया गया है, आप भी चाहे देखिए। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप कुछ घर बैठे आप काम कर सकते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस वीडियो। और आपसे मैं फिर से रिक्वेस्ट कर दूँगा, हर बार जो है पूरा वीडियो देखा कीजिए, कुछ आपकी नॉलेज बढ़ेगी। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, YouTube चैनल पेकिंग अड्डा में आपका स्वागत है। यदि आप घर बैठे काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास बहुत ही सुनहरा मौका है। घर बैठे पैन पैकिंग का काम आप यहाँ कर सकते हैं। 2023 में यह कंपनी लगभग 5 लाख लोगों को काम देने वाली है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें कि यदि आप सच में काम करना चाहते हैं और आप काम लेना चाहते हैं, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको इस वीडियो के टोटल डिटेल्स के बारे में बता देती हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे पैकिंग अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको पेन पैकिंग का काम करना है या नहीं करना है, और साथ ही आपको किस जगह पर काम चाहिए कि यहाँ पर 5 लाख से ज़्यादा लोगों को काम मिलने वाले हैं। आपको पेन कैप दिए जाएंगे जिसमें आपको पेन के साथ कैप को फ्लिप करके पैकेट के अंदर पैक करना होता है, जिस तरह हम आपको डेमो प्रोवाइड कर रहे हैं इसी तरह आपको पेन को पैक करना होता है। आपको कंपनी की तरफ से होम एड्रेस प्रोडक्ट डिलीवरी किया जाता है। आपको पर डे 25 बॉक्स पैक करना है। 1 बॉक्स में आपको 12 पेन पैक करना है। 25 बॉक्स पैक करने पर डे 800 रुपीस दिया जाता है। आपको वीकली हफ्ते में माल डिलीवरी दिया जाता है एंड वीकली आपकी सैलरी भी आपके होम एड्रेस में आपको कैश में प्रोवाइड किया जाता है। आपको फर्स्ट 1 वीक